हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। जो अपन का डिस्कशन था वो जाइलम के बारे में था। ओके, परमानेंट टिशू के अंदर, परमानेंट टिशू। ओके, इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या जाइलम का, जो क्या कितने टाइप का जाइलम होता है। ओके डन, इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं जाइलम के अंदर ही क्या अपन बात करेंगे। जाइलम अपन का टॉपिक है और इसके अंदर अपन बात करेंगे क्या पार्ट्स ऑफ जाइलम, क्या डिस्कस करने वाले, सब टॉपिक है, सब हेडिंग पार्ट्स ऑफ जाइलम। ओके, टाइप की बात कर लिए थे हम लोग, इंडार्च, एक्सार्च और मेसार्च जाइलम डन। और इस लेक्चर में अपन बात करेंगे पार्ट ऑफ जाइलम, तो कितने टाइप का जाइलम होता है उसको अपन यहाँ पे पार्ट्स में देखेंगे। फर्स्ट जो पार्ट होता है इसका जाइलम का वो ट्रैकीड्स। ओके, ट्रैकीड जो है वो जाइलम का सेल है, टिश्यू है। ओके, सेकेंड वन इज वेसल डन। थर्ड जो पार्ट है वो क्या है, जाइलम फाइबर। फोर्थ पार्ट है क्या, जाइलम पेरेनकाइमा। और इसमें जो ये तीन जो पार्ट है, ये आपका तीन पार्ट जो है वो क्या है, डेड टिश्यू। ओके, और ये जो जाइलम पेरेनकाइमा है, ये आपका जाइलम पेरेनकाइमा जो है वो ओनली लिविंग पार्ट ऑफ जाइलम। तो ये ध्यान देने वाली बात है, इसको आप ध्यान रखना। ओके, वन वर्ड में क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि कौन सा पार्ट जो जाइलम का है वो डेड है और कौन सा पार्ट लिविंग है। ओके, तो डेड टिश्यू जो वो कौन सा है, ट्रैकीड, वेसल एंड जाइलम फाइबर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वन बाय वन करके इसको, जैसे सबसे पहला पॉइंट है ट्रैकीड्स, उसको अपन यहाँ पे समझेंगे, उसका जो पार्ट है, स्ट्रक्चर है, उसको अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, ट्रैकीड्स सबसे पहला जो टर्म है वो ट्रैकीड्स। डन, ये इसके बारे में कुछ पॉइंट है ट्रैकीड। पहले जो इसका शेप है वो इस तरीके का होगा, इस तरीके से शेप होगा इसका ट्रैकीड्स का। स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करेंगे पहले, डन। और इसके अंदर क्या रहेगा, पिट प्रेजेंट रहेगा, ये क्या प्रेजेंट रहेगा, पिट रहेगा प्रेजेंट। पिट्स डन, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट है ट्रैकीड्स का, उसको अपन यहाँ पे देखेंगे। ये जो है क्या है, यूनिवर्सल वाटर कंडक्टिंग पार्ट। पार्ट ऑफ जाइलम यानी कि ये जो है मेन जो पार्ट है जाइलम का, जो वाटर कंडक्ट करेगा वो ट्रैकीड्स ही है। डन, नेक्स्ट पॉइंट ये कैसा रहेगा, यूनिसेलुलर। सेल इसका कैसा रहेगा, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल से बना हुआ रहेगा। और शेप कैसा रहेगा इसका, इलॉन्गेटेड डन, और पॉइंटेड भी रह सकता है, ये एंड पे क्या रहेगा, पॉइंट रहेगा डन। और इसके अंदर क्या रहेगा, लैक ऑफ प्रोटोप्लाज्म डन, क्योंकि डेड है, डेड पार्ट है, तो प्रोटोप्लाज्म की यहाँ पे कमी रहेगा। यूनिसेलुलर रहेगा, शेप इसका इलोंगेटेड रहेगा या पॉइंटेड रहेगा यहाँ पे डन। नेक्स्ट पॉइंट
थर्ड जो पॉइंट है वो हाईली लिग्निफाइड रहेगा, हाईली लिग्निफाइड। ओके, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, लिग्निफिकेशन होगा। लिग्निफाइड का मतलब यहां पे क्या होगा, लिग्निफिकेशन। डन। तो लिग्निफिकेशन के बेस पे जो यहाँ पे टर्म आएगा, किस टाइप का जो ट्रैकीट्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, उसको अपन यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझेंगे। डन। और उसका एग्जांपल यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। डन। तो लिग्निफिकेशन के बेस पे अपन यहाँ पे ये ट्रैकीट्स का स्ट्रक्चर अपन यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल कौन सा ट्रैकीट्स किस टाइप का रहेगा, वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, उसको अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखो डायग्राम को। ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या रहेगा, ये इस तरीके से ये शेप रहेगा, यानी कि ये जो शेप है वो कैसा रहेगा, रेटिकुलेट ट्रैकीट्स। ओके, ये जो लिग्निफिकेशन किस टाइप में रहेगा, रेटिकुलेट टाइप में। ओके, ट्रैकीट्स नहीं, ये तो इसका लिग्निफिकेशन को अपन यहां पे देख रहे हैं। डन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कैसा रहेगा, स्पाइरल शेप में लिग्निफिकेशन इसके अंदर होगा, इस तरीके से रिंग के फॉर्म में, इस तरीके से ये क्या हो गया, स्पाइरल, स्पाइरल टाइप। और ये वाला हो गया रेटिकुलेट। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो एंगुलर होगा, इस तरीके से राउंड रिंग के फॉर्म में, सिंगल सिंगल रिंग होगा, उस तरीके से इसमें लिग्निफिकेशन होगा। ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट एंगुलर, ये लिग्निफिकेशन का अपन यहां पे डिवीजन देख रहे हैं। डन। नेक्स्ट जो इसमें होगा वो एस्केलिफॉर्म, इस तरीके से होगा, लैडर के शेप में सीढ़ी जैसा रहता है, इस तरीके से लिग्निफिकेशन होगा, साइड में बीच में ऐसे गैप रहेगा। ओके, ये क्या हो गया, ये कौन सा शेप हो गया, एस्केलिफॉर्म, एस्केलिफॉर्म। डन। नेक्स्ट होगा पिटेड, पिट के फॉर्म में, इस तरीके से पिट इसमें फॉर्म हो जाएगा। ओके, ये हो गया पिटेड। तो ये डिवीजन किसका हो गया, लिग्निफिकेशन किस बेस पे, यहाँ पे कितने टाइप का हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ, यानी पांच टाइप का लिग्निफिकेशन हुआ इसका, ट्रैकीट्स का। डन। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये जो फर्स्ट जो थ्री जो है वो कहाँ पे मिलेगा आपको देखने के लिए, सीन इन ट्रैकीट्स ऑफ प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम। ओके, यानी रेटिकुलेट, स्पाइरल एंड एंगुलर, ये जो लिग्निफिकेशन है वो कहाँ पे मिलेगा आपको देखने के लिए, प्रोटोजाइलम के अंदर। और ये जो दो फोर्थ एंड फिफ्थ टाइप है ये आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, सीन इन ब्रैकेट्स ऑफ मेटाजाइलम। ओके,
यहाँ पे टर्म आ गया प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ओके, मेटाजाइलम के अंदर कैसा आपको देखने के लिए मिलेगा, स्कैलरी फॉर्म या पीटेड, और प्रोटोजाइलम के अंदर कैसा लिग्निफिकेशन आपको मिलेगा, एंगुलर स्पाइरल या रेटिकुलेट। टर्म इस तरीके से मैच द फॉलोइंग में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको ध्यान में रखना है। डन, तो ये हम लोगों ने क्या देखा, ये ट्रैकीट का जो पूरा एग्जाम्पल है उसके तो, उसका जो कैसे उसके अंदर सेल का लिग्निफिकेशन होता है। डन, और ये चीफ वाटर कंडक्टिंग पार्ट है, यूनिवर्सल वाटर कंडक्टिंग पार्ट है किसका, जाइलम का। डन, मेन वाटर कंडक्टिंग पार्ट यूनिवर्सल या फिर इसको और मेन वाटर कंडक्टिंग पार्ट। डन, नेक्स्ट अपन यहाँ पे इसका जो पोजीशन के बेस पे अपन यहाँ पे देखेंगे, इस तरीके से ट्रैकीट जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। ये आपका ये एक ट्रैकीट है, ओके, और ये अगेन यहाँ पे दूसरा ट्रैकीट प्रेजेंट है इस तरीके से। ये क्या है, ट्रैकीट, ये क्या है, ट्रैकीट, सेकेंड ट्रैकीट, और इसी तरह वो रूट से, फ्रॉम रूट, रूट से क्या लेगा, वाटर, वाटर को फिलअप करेगा और यहाँ पे वो अपना अंदर एब्जॉर्ब करेगा, कंडक्ट करेगा। और ये जो पोजीशन है यहाँ पे, इस पोजीशन को अपन यहाँ पे देखेंगे कैसे इस, ये जो फॉर्म यहाँ पे बना दो ट्रैकीट के बीच में, इसको यहाँ पे जूम करके देखेंगे यहाँ पे किस तरीके का पार्ट बन रहा है। डन, तो ये पोजीशन आपका इस तरीके से यहाँ पे बनेगा, ओके, और ये आपका इस तरीके से यहाँ पे दो ट्रैकीट्स के बीच में फॉर्म होगा पिट का, जो वॉल है वो इस तरीके से पिट फॉर्मेशन करेगा। ये क्या हो गया, पिट्स, वाटर जो है इसी के थ्रू फ्लो कर जाएगा, और ये पिट जो है वो कैसा रहेगा, पिट इसका क्रॉस वॉल कैसा रहेगा, क्रॉस वॉल पिटेड एंड इम्परफोरेटेड। ओके, यानी कि पिट भी फॉर्मेशन रहेगा यहाँ पे और होल भी रहेगा, क्योंकि उसी से वाटर क्या करेगा, वाटर जो है वो यहाँ से फ्लो कर जाएगा दूसरे ट्रैकीट्स में, ओके, और यहाँ से वो लीफ के पास जाएगा या फिर अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। डन, तो ये इसका पूरा जूम करके यहाँ पे टीएस देखा आपने, पिट्स कैसे यहाँ पे प्रेजेंट रहता है दो ट्रैकीट्स के बीच में, ये ट्रैकीट फर्स्ट ट्रैकीट और ये सेकेंड ट्रैकीट्स, ये वाला पोजीशन किसका है, फर्स्ट का और ये सेकेंड, ये दोनों के बीच में जो ये लेयर है, ये वाला डिवीजन आप यहाँ पे, ये जो यहाँ पे ज्वाइंट है वो पोजीशन आपने यहाँ पे देखा। डन, कैसे इसके अंदर पिट प्रेजेंट है। डन, तो ये ट्रैकीट्स के बारे में पूरा उसका डिटेल हो गया स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वेजल की, सेकेंड जो पार्ट है जाइलम का उसमें अपन बात करेंगे क्या, वेजल की सेकेंड पॉइंट कौन सा है, वेजल। तो इसका शेप इस तरीके से रहेगा, इसका जो लेंथ है वो ज्यादा रहेगा। डन, इस तरीके से आपका वेजल प्रेजेंट रहेगा, इसका डायमीटर ज्यादा रहेगा, ओके, इसमें भी क्या प्रेजेंट रहेगा, इसका जो पिट जो प्रेजेंट नहीं रहेगा, इसमें कोई भी पिट प्रेजेंट नहीं रहने वाला है, ओके, ये क्या है, वेजल। अब अपन इसके बारे में कुछ पॉइंट अपन देखते हैं वेसल के बारे में, कैरेक्टर ऑफ
कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म, जितना पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है वो सब इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेजल भी इंपॉर्टेंट है, ट्रैकेट्स भी इंपॉर्टेंट था, ओके। ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है, ये एंजियोस्पर्म में पाया जाएगा, ओके। एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स, एंड जिम्नोस्पर्म, ओके। यानी ये टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म के अंदर वो प्रेजेंट नहीं रहने वाला, डन। यहाँ पे एक नोट पॉइंट यहाँ पे राइट डाउन करो, सबसे पहले तो अभी यहाँ पे नोट ही डाउन कर लो, एक्सेप्शन में इसमें है एंजियोस्पर्म। एग्जांपल और देख लेते हैं अपन, फर्स्ट जो एग्जांपल है हाइड्रोकैरेटिसी, फर्स्ट एग्जांपल हाइड्रोकैरेटिसी, ओके। और इसमें विंट्रेसी दो, ओके। ये जो दो प्लांट है इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, ये इसमें एब्सेंट रहेगा, क्या वेजल एब्सेंट, एब्सेंट हेयर, जबकि ये है क्या एंजियोस्पर्म। तो ये क्या है एक्सेप्शन वाला पॉइंट है, ओके। ओके एंजियोस्पर्म, ये जो प्लांट है हाइड्रोकैरेटिसी और विंट्रेसी, ये दो जो है वो क्या है एंजियोस्पर्म। सेकंड जो एग्जांपल है इसका एक्सेप्शन वाला पॉइंट में ही नेटम एफेड्रा, और नेक्स्ट है वेलवेशिया, ये तीन जो प्लांट है नेटम एफेड्रा, ओके, और वेलवेशिया, ये तीनों के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा वेजल प्रेजेंट हेयर, जबकि ये प्लांट क्या है ये सब है क्या जिम्नोस्पर्म। तो इसका एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या लिखा आपने, ये कैरेक्टर क्या है वेजल एंजियोस्पर्म का, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होता है। तो ये एक्सेप्शन में है कि एंजियोस्पर्म जो प्लांट है हाइड्रोकैरेटिसी और विंट्रेसी, इसके अंदर वेजल जो है वो एब्सेंट है, ओके। और नेटम एफेड्राल वेलवेशिया जो है वो जिम्नोस्पर्म है, फिर भी इसके अंदर वेजल प्रेजेंट है। तो ये जो प्लांट है इसका एक्सेप्शन है एग्जांपल का, डन। तो वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वेजल की, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसमें बात करेंगे अपन। ये कैसा रहेगा वेजल, इट इज मल्टी सेलुलर, ओके, ट्यूब लाइक, ट्यूब के फॉर्म में रहेगा, और डेड टिश्यू रहेगा, डेड सिंसाइटियल स्ट्रक्चर, डन। ये सिंसाइटियल स्ट्रक्चर जो है डेड, ये आपको ध्यान में रखना है, डन। मल्टी सेलुलर होगा, और इसका जो वॉल होगा किस तरीके का होगा, क्रॉस वॉल, क्रॉस वॉल ऑफ वेजल, ये किस तरीके का होगा, परफोरेटेड, परफोरेटेड बट नॉट पिटेड,
यानी पिट इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा। ये आप यहाँ पे देख लो, ये क्या है, रेड वाला पार्ट क्या है, परफोरेशन। इसमें पिट प्रेजेंट नहीं रहेगा, डन। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में, और ये क्या रहेगा, लिग्निफाइड रहेगा। लिग्निफाइड कैसा रहेगा, इसके अंदर लिग्निफिकेशन कैसा रहेगा, एंगुलर। ओके, एंगुलर रहेगा लिग्निफिकेशन, रेटिकुलेट जैसा कि ट्रेकिड्स में था, और स्पाइरल, डन। ये तीनों किसका पार्ट होगा, ये पार्ट ऑफ प्रोटोवेसल, प्रोटोजाइलम वेसल। यानी प्रोटोजाइलम के अंदर जो वेसल प्रेजेंट रहेगा वो कैसा रहेगा, एंगुलर, रेटिकुलेट एंड स्पाइरल। ओके, नेक्स्ट पीटेड और स्केलिफॉर्म, ये जाइलम, ये वाला कहां पे रहेगा, मेटाजाइलम, मेटाजाइलम वेसल। ओके, पीटेड और स्केलिफॉर्म, जो कि स्ट्रक्चर अपन यहां पे ऊपर में ड्रॉ किए थे, ये रहा आपका स्ट्रक्चर, ये वाला यहाँ पे, डन। तो ये मेटाजाइलम का स्केलिफॉर्म और पीटेड और रेटिकुलेट और स्पाइरल, एंगुलर का किसका है, प्रोटोजाइलम का स्ट्रक्चर है ट्रैकीड्स में, डन। ये लिग्निफिकेशन की बात अपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी लिग्निफिकेशन जो है वो सेम रहेगा ट्रैकीड्स के जैसा। ओके, और वेसल जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, जो डायमीटर है, नेक्स्ट पॉइंट, डायमीटर ऑफ वेसल, ये किसका रहेगा, टेम्परेचर, यहाँ पे चार्ट है किसका, ट्रैकीड जो है वो ये वेसल का, वेसल का डायमीटर ज्यादा रहेगा किससे, ट्रैकीड से। ओके, इसीलिए इसका जो इट इज मोर इफिशियंट फॉर एसेंट ऑफ सैप। ओके, देन ट्रैकीड्स, यानी कि जब इसका डायमीटर ही ज्यादा है वेसल का, ज्यादा उससे चौड़ा है, इससे वेसल से, ये वेसल का डायमीटर किस क्या है, ज्यादा है, मोर है, तो इसीलिए इसका जो इफिशियंसी लेवल है वो एसेंस ऑफ सैप, जो भी वाटर होगा, वाटर या मिनरल, वो कैरी कौन ज्यादा करेगा, डन। जाइलम के अंदर जो कैरी वो कौन करेगा ज्यादा, वेसल करेगा। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट थर्ड वन, जाइलम का पार्ट में अपन देख रहे थे, वो जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। या फिर इसको और क्या बोलते हैं, रे पैरेन्काइमा, क्या बोलेंगे इसको, रे पैरेन्काइमा। इसके बारे में अपन यहां पे पॉइंट देखेंगे, ये क्या है, ओनली लिविंग पार्ट ऑफ जाइलम, जो कि ऊपर जो डिवीजन सेक्शन था उसमें हम लोगों ने देख लिया था। ओके, नेक्स्ट है इसका जो फंक्शन क्या है, क्या काम करेगा ये, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड इन
फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में करेगा, स्टार्च, ओके, फैट एंड टैनिन लाइक सब्सटेंस, डन। यानी कि जैसे यहाँ पैरेन्काइमा टर्म देखो, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि स्टोरेज ऑफ फूड यहाँ पे होगा, पैरेन्काइमा है तो स्टोरेज ऑफ फूड का होगा, ओके। इसका जो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, क्या करेगा ये परफॉर्म, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, ओके, परफॉर्म बाय दिस। ओके, दिस टिश्यू या दिस पार्ट, ओके। यानी कि रेडियल कंडक्शन कौन सा करेगा, जाइलम पैरेन्काइमा। आपके क्वेश्चन में आ जाए रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर किस पार्ट से होता है जाइलम का, तो जाइलम पैरेन्काइमा करेगा या रे पैरेन्काइमा करेगा, ओके। फंक्शन पे आप ध्यान रखना, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड जो पार्ट है जाइलम का। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट जो है आपका, फोर्थ पार्ट है जाइलम फाइबर, ओके, या फिर इसको क्या बोलेंगे, वुड फाइबर। तो ये इसको अपन टर्म क्या देंगे, ये क्या है, एस्केलेनकाइमस, एस्केलेनकाइमेटस फाइबर्स, ओके। और ये प्रोवाइड क्या करेगा, फंक्शन इसका क्या रहेगा, क्या फंक्शन करेगा ये, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, ओके, टू द जाइलम, डन। नेक्स्ट पॉइंट, ये कैसा रहेगा, या तो सेप्टेट रहेगा और असेप्टेट, इन अ स्ट्रक्चर, इस तरीके का, यानी इसके अंदर ये क्या हो गया, सेप्टेट हो गया ये वाला स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, सेप्टा, इस तरीके का डिवीजन, ओके, और असेप्टेट नॉर्मली इस टाइप का रहेगा, ये वाला पार्ट क्या हो गया, असेप्टेट, इसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं रहेगा, ओके। सेप्टा प्रेजेंट हेयर, और यहां पे क्या है, सेप्टा एब्सेंट, इसको क्या बोलेंगे, एसेप्टेट और सेप्टेट, ओके। तो ये हम लोगों ने देखा, पर ये ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में, फंक्शन के बारे में आप ध्यान रखना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, एस्केलेनकाइमेटस फाइबर है ये, वुड फाइबर इसको बोलेंगे। तो ये चार जो डिवीजन था किसका हम लोगों ने देखा, जाइलम का, और ये जाइलम वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, ओके। और एनसीईआरटी का आप रीडिंग लगाते रहो, और अभी जो समझाया गया इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देन ये जाइलम पैरेन्काइमा और रे पैरेन्काइमा में आपको क्या देखना है, फंक्शन, और ये ओनली लिविंग पार्ट है, और ये तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, रे पैरेन्काइमा आप टिक आउट कर देना, देन, और ये डायमीटर बेस पे था कंपैरिजन, वेजल का डायमीटर ज़्यादा रहेगा ट्रैकीड्स के कंपैरिजन में, वो एसेंट ऑफ सैप को कैरी करने में ज़्यादा इफिशियंट रहेगा, कौन सा, वेजल, ओके। लिग्निफिकेशन बेस पे आपने वो स्ट्रक्चर देखा प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के वेजल के अंदर, ओके। नेक्स्ट ये जो ये एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म का और एंजियोस्पर्म का एक्सेप्शन, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके।
ये हम लोगों ने पूरा अच्छी तरीके से समझ लिया, क्या पूरा जाइलम का डन। और अभी जो पढ़ाया गया, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा हो कमेंट बॉक्स में अगेन कमेंट करो। ये हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके अंदर अपन बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में फ्लोएम की। ओके, ये जाइलम वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, डन। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं फिर अगले वीडियो अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।